तो भाई लोग सलार के टीजर को रिलीज होकर आज 3 दिन हो गए हैं, लेकिन इसकी हाइप कम होने का नाम नहीं ले रही है। ट्विटर पर अभी भी ट्रेंड चल रहे हैं, प्रवास के फैंस अभी भी नई नई थ्योरीज बना रहे हैं, जिससे ये साबित हो सके कि सलार केजेब से कनेक्टेड है। और जब मैं सलार और केजेब के कनेक्शन के बारे में सोच रहा था, तब मेरे दिमाग में भी एक सॉलिड थ्योरी आई। और जब मैंने अपनी थ्योरी को लेकर रिसर्च, तो अपने आप सभी डॉट कनेक्टेड होते हुए दिखे। और थ्योरी को जानने से पहले मैं तुमको याद दिला दूं कि ये मेरे दिमाग की उपज है, यानी कि सच भी हो सकती है और झूठ भी। तो बस इसके मजे लो, सीरियस होने की जरूरत नहीं है। लेकिन शुरू करने से पहले जरा ये स्क्रीनशॉट देखो, जिसमें साफ तौर पर लिखा है कि सलार एक शराबी है जो अपने दोस्त रॉकी का बदला लेने की कोशिश करता है। अगर तुम गूगल करोगे तो ये IMDB पर तुम्हें मिल जाएगा। सारा खुला खुला लिखा है, वो भी IMDB ने। अब और क्या प्रूफ चाहिए तुम्हें? तो मेरे हिसाब से रॉकी भाई और सलार का कनेक्शन तो है, लेकिन फरमान वाला नहीं, बल्कि मेरे हिसाब से सलार और रॉकी भाई दोनों भाई हैं, नहीं सगे वाले नहीं, दोस्तों वाले, यानी कि बेस्ट फ्रेंड। अब उतावले मत हो, ये सब कैसे हुआ, क्यों हुआ, सब बताता हूँ, वो भी प्रूफ के साथ। आगे बोलना नहीं, बताना बताना बताना। देखो 1961 में जब रॉकी दुनिया जीतने का ख्वाब लेकर मुंबई आया, तो कुछ बड़ा करने के चक्कर में इस चचा के गैंग में शामिल हो गया। और बाद में शेट्टी के गैंग में शामिल होने के लिए उसने इस टकले शिंदे का टकला फोड़ दिया। अब ये सब मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि शेट्टी के गैंग में शामिल होने से पहले तक रॉकी के साथ एक और बच्चा था, ये वाला। रॉकी और ये दोनों काफी अच्छे दोस्त भी थे, यहाँ तक कि शेट्टी के बारे में भी रॉकी को यही बताता है, और अपने नाम का ब्रांड कैसे बनता है ये भी। उसके बाद जब रॉकी शेट्टी के गैंग को ज्वाइन करता है, तो कहानी सीधा 17 साल आगे 1978 से दिखाई जाती है। और उस बच्चे के बारे में या फिर रॉकी के बचपन के बारे में कुछ भी नहीं बताया जाता। तो हाँ, तुम बिल्कुल सही सोच रहे हो, मेरे हिसाब से ये बच्चा ही सलार होगा। अब क्योंकि अपने चचा अलग अलग गैंग में बच्चे सप्लाई करते हैं, तो रॉकी की तरह सलार को भी किसी गैंग में भेज दिया होगा। और अब शायद उसे रॉकी के मरने की खबर पता चल गई होगी, जिसकी वजह से वो रिवेंज के लिए वापस आ रहा होगा। और तुम अगर IMDB के इस समरी से इस थ्योरी को मैच करके देखोगे तो बिल्कुल फिट बैठती है। और उस बच्चे के बारे में हम ज्यादा कुछ KGF के दोनों पार्ट नहीं देख पाते, क्योंकि मेकर्स ने कुछ बताया नहीं, शायद जानबूझ के या फिर रॉकी भाई पर फोकस रखने के लिए। लेकिन अगर तुम्हें याद है तो KGF 2 के पोस्ट क्रेडिट सीन में जो रॉकी की फाइल रमिका सेन को मिलती है, उसके मुताबिक रॉकी भाई 1978 से लेकर 1981 तक गायब थे, और इसी दौरान उसने अमेरिका के साथ साथ 16 और देशों में क्राइम किए थे। और तुम खुद ही सोच के देखो, क्या सिर्फ 3 सालों में एक आदमी 16 कंट्रीज में क्राइम कर सकता है? मतलब रॉकी भाई है तो कर तो सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से उनके साथ क्राइम में सलार भी शामिल होगा। और क्योंकि राजा अपने साम्राज्य अकेला नहीं संभाल पाता, तो रॉकी भाई ने शायद अपने बचपन के दोस्त को अपने इंटरनेशनल बिजनेसेस को संभालने को दे दिए होंगे अपने कमांडर के तौर पर, और अब वो अपने दोस्त का बदला लेने आ रहा है। हालांकि रॉकी भाई 1981 में डूबे थे और सलार 1983 के बाद की टाइमलाइन में सेट है, क्योंकि पहली जुरासिक पार्क फिल्म 1993 में आई थी। और क्योंकि इस फिल्म में जुरासिक पार्क का जिक्र किया गया है, मतलब कि इसकी टाइमलाइन 1993 के बाद की है। अब ऐसे में सवाल आता है कि 12 साल का फासला कैसे कम होगा? साला ऊपर से मेकर्स ने कोई टाइमलाइन भी नहीं दी है, जैसा कि हमें KGF 1 के ट्रेलर में दी गई थी। लेकिन टेंशन मत लो, इसको लेकर एक और थ्योरी है, जिसके मुताबिक सलार में प्रभास का डबल रोल है। और इसमें से एक प्रभास रॉकी भाई का वो बचपन का दोस्त होगा, और ये आर्मी वाला सलार बेटे के रोल में होगा। 1991 से लेकर 1993 तक रॉकी भाई के दोस्त ने अब तक उसका अपना एक साम्राज्य बना लिया होगा, और दोनों एक दूसरे से ही भिड़ेंगे, यानी प्रभास वर्सेस प्रभास। अब देखो यार, इससे पहले तुम कुछ बोलो, मैं तुम्हें एक और स्क्रीनशॉट दिखाना चाहता हूँ। ये देखो, 5 जुलाई को सलार के प्रोड्यूसर ने सलार पर एक ट्वीट किया था, जिससे साफ साफ लिखा है कि क्या नियस यानी सलार और आर यानी रॉकी भाई को एग्जिस्ट। अब साला इससे बड़ा कोई प्रूफ हो सकता है क्या? हालांकि मेकर्स अपनी हाइप बढ़ाने के लिए अपनी प्लान की वजह से इस ट्वीट को डिलीट करवा देते हैं, लेकिन इससे भी ये साबित होता है कि सलार और KGF 2 दोनों कनेक्टेड हैं। अब देखो यार, मैं ये तो नहीं जानता कि थ्योरी सच है या फिर गलत, लेकिन मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि KGF सलार के साथ कनेक्टेड है। साला मेकर्स ने इतने हिंट दिए है कि चेक करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। वैसे ऐसी बहुत सारी थ्योरीज है जो मार्केट में घूम रही है, और अगर तुम्हारे पास भी सलार और KGF को कनेक्ट करने वाली थ्योरी है तो बिंदास मुझे कमेंट में जरूर बताना। हो सकता है अगला वीडियो तुम्हारी थ्योरी पर बने। वैसे हमने सलार KGF से कैसे कनेक्टेड है उसको लेकर जो जो भी डिटेल्स निकल कर आती है, उन सब पर एक डिटेल वीडियो बनाई है जो तुमको ऊपर मिल जाएगी, उसे एक बार जरूर देख लेना। उसके देखने के बाद तुम्हारे डाउट क्लियर हो जाएगा कि KGF और सलार कनेक्टेड है या फिर नहीं है। और हाँ, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करना, और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट जरूर करना। तो फिर मैं चलता हूँ, हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक आप फिल्में देखो।